मसाले में लेना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, इन सबको हम एक साथ पीस लेंगे। और यहाँ पे साथ ही हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला सभी को एक साथ पीस कर रख लिया है। ये हम डाल लेंगे 2 छोटा चम्मच, और सभी को साथ में पीसना है। यहाँ पे है हरा मटर, आलू और प्याज छोटे टुकड़े में कटा हुआ, और पालक उबला हुआ। यहाँ पे तेल कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे 2 छोटे तेज़पत्ता डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और इसको डालने के बाद ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। यहाँ पे प्याज डालते ही लाइट चली गई थी, तो अब हम प्याज को भून लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ ही हमें आलू भूनना है। तो अब हम आलू डाल देंगे इसमें कटे हुए। यहाँ पे आलू भून चुका है, अब हम हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, और ये पीसा हुआ मसाला, इसे हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ पे मसाला भूनते हुए इसी समय हम पालक भी पीस लेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तेल भी छोड़ने लगा है, तो अब हम इसमें ये उबला हुआ पीसा पालक इसमें डाल देंगे, और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे सभी मसालों के साथ पालक को अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ पे इसमें 2 छोटे साइज के टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे, और ये हरा मटर डाल देंगे, और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे टमाटर और मटर डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के अच्छे से मिला लेना है। मसाला और ये सारी सब्जी हमारे अच्छे से भून चुका है। इसमें हमें टमाटर ज़्यादा गलाना नहीं होता है, इसलिए इस तरह छोटे टुकड़ों में डालते हैं। अब हम यहाँ पे जिस जार में पालक पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर, बस आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, और इसे हम बस अच्छे से थोड़ी देर पकने के लिए, टमाटर और मटर पक जाए बस इतनी देर ही हमें पकाना है। बाकी सारी सब्जियां तो पकी हुई हैं, अब हम इसे ढक देंगे। यहाँ पे सब्जी हमारा पक चुका है, इसी समय हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और इसे गरम में ही मिला देंगे, तो इसका जो है फ्लेवर और ही बहुत ही मतलब और भी अच्छा हो जाएगा। और तैयार हमारा ये पालक का घुट्टा, इसे हमारे गांव में पालक का घुट्टा कहते हैं। आप इसे पालक की रसेदार सब्जी भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे ये हमारी बहुत ही टेस्टी पालक का घुट्टा बनकर तैयार है। इसे हमारे गांव में पालक का घुट्टा कहते हैं। आप इसे चाहे तो पालक की रसेदार सब्जी भी कह सकते हैं। इसे रोटी, पराठा या चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर दें। इसमें आप चाहें तो ऊपर से इस तरह से हरा धनिया भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें मिला हुआ ही है। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए।